किसी को सबक सिखाना हो तो भूरी अम्मा कहती है कि मुर्गा बनो। पर मुर्गा बनना कितना मुश्किल है ये भी तो सुनो। सवेरा होने को था, थोड़ा जग रहा था, थोड़ा सो रहा था, बांग दी पर किसी को सुनाई ना दी। फिर कोशिश की पर सिर्फ हवा ही निकली। पानी के लिए झगड़ रहे थे सारे भी, कुछ तो चल के आए थे 50-50 में। भूरी अम्मा जो सबसे ज्यादा जानती थी बोली, हल उसका ढूंढेगा सिर्फ बड़वा ही, वो जो बादलों को नाम से जानता है और चाहे तो बारिश भी करा सकता है। नदी, आसमान, पहाड़, तालाब, इन सबसे कुछ रिश्ता है उसका, पर कहते हैं कि खाने में खाता है मुर्गा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर उसने मुझे देख लिया तो कहीं पंख से पकड़कर सीधे ले जाएगा तंदूर, और महुए के साथ साथ मुझे भी गटक जाएगा जरूर। शेर सिंह ने मेरे पंखों पे पत्तों को चिपकाया, फिर मेरे कान में फुसफुसाया, अब तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, मुर्गा हो या जंगल जानेगा नहीं। हम आगे बढ़े तो एक शराबी मिला, नशे में था धुत, कुछ हिला डुला। शेर सिंह को लगा कि वो ही बड़वा है, बोला, बड़वा जी मुश्किल वक्त आ पड़ा है। मैं मेघराज को बुलाता हूँ, ये लो अभी बारिश कराता हूँ। झाड़ बांधो रट्टी बांधो बाबा देव डाकर जोकर माड़ी खाड़ में जागो। झाड़ बांधो रट्टी बांधो बाबा देव डाकर जोकर माड़ी खाड़ में जागो माड़ी खाड़ में जागो। इन सब में मेरी सारी पत्तियां उड़ गईं और उस शराबी की नजरें मुझ पर गड़ गईं। बोला, जब इसको खाऊंगा तभी बारिश लाऊंगा। मैं डरा, सकपकाया, कहां छुपूं, समझ नहीं आया। भूरी अम्मा बोली, बड़वा जी बुरा न मानना, आप असली बड़वा हो या नकली ये है हमें जानना, तो इस मटके पे खड़े हो जाओ और ये ना टूटा तो मजे से ये मुर्गा चबाओ। और टूट गया तो? अरे टूट गया तो आप असली बड़वा नहीं हो, बाकी आप खुद ही समझदार हो। मटका गया टूट, शराबी लिया फूट। फिर दूर से सड़ी चिड़ी का गीत सुनाई दिया तो भूरी अम्मा ने उसका पीछा किया। हम भी उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़े और पहुंच गए वहां। कहां? जहां ढाक बजाते असली बड़वा थे खड़े। भूरी अम्मा ने कहा, बड़वा जी हम पे दया करो, हमारे खेतों और बच्चों को पानी दो। बड़वा जी जिस मटके पे थे खड़े उससे पानी बह रहा था बिना रुके। लोग पानी भरने में लग गए, अचानक बड़वा जी ने मटके के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भूरी अम्मा ने कहा, भला क्या है हमारा गुनाह? फिर उन्हें रिझाने किसी ने मुझे चढ़ा दिया और मैंने उन्हें बिना सोचे समझे खुद ही को खिलाने का न्योता दे दिया। मैंने कांपते पंखों से आंखें मूंद ली, एक मीठा सा दर्द उठा। आंखें खुली तो बड़वा जी के हाथ में मेरा एक नन्हा सा पंख था।
कहते हैं बड़वा जी जिसे छूते हैं उसकी सब पूजा करते हैं। मैंने बड़वा जी की ओर देखा और कहा, आप मुझे खाओगे नहीं? उन्होंने कहा, तुम तो सूत्रधार हो, कहानी आगे बताओगे नहीं? बड़वा जी हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने उस टूटे मटके पे कुछ चित्र बनाए। पहले तो मेरी जान में जान आई, फिर उनके चित्रों पे मेरी नजर गई। ये तो पेड़ है, मैं चिल्लाया और हमने अपनी दीवारों को चित्रों से सजाया। उस रात बादल घिराए और मूसलाधार बारिश लाए। बिजली चमकी सनन सनन, पानी बरसा घनन घनन और हमने भरे सारे बर्तन। फिर सांप और कछुए आए, उन्होंने मिट्टी में घूम घूम के गड्ढे बनाए। वो गड्ढे भी पानी से भर गए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ये तो हमें रास्ता दिखा गए। हमने भी खोदे कुछ कुएं जो पानी से भर गए रात भर में। फसलें पकी, गांव में आया चैन और सुकून, और रोज सवेरे जब आंखें खुली तो जोर से निकला। अब जैसे लोग मनोती मांगते हैं, हम भील बस चित्र बनाते हैं।